बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत ने ईद से कबल अवाम को लॉकडाउन के दरमियान दो बड़ी खुशखबरियां सुना दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हुकूमत ने जहां 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा था, लेकिन अब हुकूमत ने दो अहम कारोबारी तबकों को कारोबार की इजाज़त दे दी है। पहली अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने आज ट्रांसपोर्टर हजरात को मजीद दो दिन की मोहलत दे दी है कि वो SOPs को फॉलो करते हुए हफ्ता और एतवार को भी ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टर हजरात 9 और 10 मई को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। जबकि दूसरी अच्छी खबर यह है कि मुशीर तिजारत रजाक दाऊद ने ट्वीट की है कि ईद से कबल लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और इससे मुलहिका कारोबार खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 और 11 मई को तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुलहिका कारोबार खुले रहेंगे और इस दौरान बैंक भी सुबह 9 से 11 बजे तक खुले रहेंगे।